चलो आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं डिस्कस. तो जो आज ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे दैट इज एक्चुअली शेयर्स एंड डिविडेंड्स. अभी तो हमने कितनी फ्रीक्वेंटली आजकल नाम सुना होता है स्टॉक मार्केट का, हम कितना ज्यादा सुनते हैं टीवी पे भी देखो हर तरफ स्टॉक मार्केट की बातें हो रही हैं, ये शेयर चढ़ गया, ये शेयर नीचे गिर गया. तो एक्चुअली कई बार हमारे मन में थॉट आता है कि इसका मतलब क्या होगा, शेयर का मतलब क्या होता है, उसका गिर गया या चढ़ गया या शेयर गिर गया इस बात का एक्चुअली मतलब क्या है. तो आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स हमें इस पूरी शेयर मार्केट का जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आना शुरू होगा. इसलिए आज वाली क्लास वाला जो काम हम देखेंगे दैट इज बियॉन्ड इवन द स्कूल सिलेबस, हमें समझ में आएगा कि हमें लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है. तो इट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अब इसका सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मतलब समझते हैं कि एक शेयर का एक्चुअली मतलब क्या है. अब शेयर का मतलब और उससे रिलेटेड कुछ बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं, बस सबसे पहले इनको ऑब्जर्व करो. अब ये देखो, ये सोचो किसी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करना है, तो कोई एक ओनर है उसके पास एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, पर उसके पास उस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं, उसके पास जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो नहीं अवेलेबल. तो अब वो फंड्स कैसे जनरेट करे, या तो वो फंड्स के लिए वो बैंक को अप्रोच कर सकता है कि आप हमें लोन दो और उस लोन के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस को बढ़ा देंगे. दिस इज वन, वो जो बिजनेसमैन है वो लोन ले सकता है बैंक से, या फिर वो बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि अपने साथ पार्टनर्स बना सकता है. सोचो किसी बंदे ने, किसी ए पर्सन ने बी को अपना पार्टनर बना लिया कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस है और हम दोनों इसमें बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम दोनों का इक्वल शेयर हो जाएगा. नोटिस करना इस वर्ड को, हम दोनों का इक्वल शेयर हो जाएगा. तो फिर तब दोनों का शेयर आपस में इक्वल हो जाता अगर मान लो दो लोग इन्वेस्ट करते तो. अभी सोचो कि देयर इज अ बिजनेसमैन ए, एक बिजनेसमैन ए है, अभी सारी की सारी कंपनी उसकी, उसके 100% शेयर जो है वो उसका अपना शेयर है क्योंकि उसी की कंपनी है. अब उसने कॉमन पब्लिक को, हम सबको कहा कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो क्योंकि मेरी कंपनी कल को बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है. तो उसने हम सबसे, हम सबको अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया, उसने अपनी कंपनी के 100 शेयर इश्यू कर दिए उसने अपनी कंपनी में. हम सब ने मान लो उसका 1-1 शेयर बाय कर लिया, हम सब ने उसकी कंपनी का 1-1 शेयर बाय कर लिया, ऐसे उसने 1-1 शेयर हम सबको दे दिए और उसने खुद मान लो रख लिए अपने पास 50 शेयर्स उसने अपने पास रख लिए और बाकी जो 50 शेयर्स थे वो मान लो 50 लोगों ने, 50 डिफरेंट पीपल ने 1-1 शेयर बाय कर लिए. तो हम सारे के सारे उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए और ये भी अपनी कंपनी का ही शेयर होल्डर है 50% का क्योंकि उसके पास 100 में से 50 शेयर है. तो अब दिस इज द बेसिक मॉडल. तो जब कोई कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट पे लेके आती है तो वो शेयर्स किसी प्राइस पे लेके आती है. शेयर्स का मतलब क्या है कि वो कॉमन पब्लिक को ऑफर दे रही है कि मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ. बिल्कुल ऐसे सोचना, जब हम किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो एक्चुअली हम उस बिजनेस के पार्टनर बन गए, जितने हमने शेयर्स बाय करे उतने बड़े हम पार्टनर्स बन गए. तो अब इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो. तो जब कोई बिजनेसमैन अपना शेयर लॉन्च करता है तो अब इससे रिलेटेड जो पहली टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान में रखनी है दैट इज द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू, इसी का एक और नाम होता है नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू भी कह देते हैं, नॉमिनल प्राइस भी कह देते हैं. ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये वो प्राइस है जिसपे वो कह रहा है कि जो बिल्कुल जो इनिशियल प्राइस है दैट इज द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू. मान लो कि ये ₹10 होता है, ₹10 भी होता है, बहुत कंपनीज का ₹1 भी होता है या ₹100 भी होता है. बस इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना, ये हमें कैसे हेल्प करेगा वो हमें समझ में आना शुरू होगा. पर सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली शेयर का मतलब क्या है. किसी बिजनेसमैन ने डिसाइड करा कि वो कॉमन पब्लिक को, हम सबको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाएंगे, उसके लिए वो अपनी कंपनी के शेयर्स फ्लोट करते हैं. फ्लोट का मतलब वो अपनी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लेके आते हैं और वहां पे कॉमन पब्लिक उन शेयर्स को बाय करती है तो वो भी उसी कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रिलायंस के शेयर का नाम सुना होगा, SBI सुना होगा, इंफोसिस सुना होगा, ये सारी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन सबके शेयर है. जैसे मैकडॉनल्ड्स कंपनी हमने सुना होगा, उसका USA में शेयर है. तो बिल्कुल दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट.
अब इसके क्वेश्चंस को डील करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले समझते हैं कॉमन सेंस से। तो जो अब थ्योरी है उसमें कुछ बहुत सिंपल से नाम देखोगे, बस इनको ऑब्जर्व करोगे। मान लो एक बिजनेस ओनर, मान लो कि हमने एक बिजनेस शुरू करा और वो बिजनेस आज बिल्कुल पहला दिन है, हमारे बिजनेस की अभी कोई रेवेन्यूज नहीं हुई है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मान लो हमने कहा कि हमारी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, हम लोगों ने मान लो मिलकर सोचा कि एक कंपनी बनाते हैं, उसके 100 शेयर्स हैं और हर शेयर का जो प्राइस है वो ₹100, हर शेयर का जो प्राइस है वो ₹100 है। तो जो ये बिल्कुल पहले दिन जब बिजनेस शुरू हुआ, जब कंपनी की अभी कोई वैल्यू नहीं, उसमें कंपनी में कोई स्पेशल बात नहीं, तो जो उस बिजनेस की जो प्राइसिंग जो हमने बिल्कुल शुरू में करी, वो जो प्राइस होता है उसको कहते हैं उसकी फेस वैल्यू। बिल्कुल ध्यान में रखना, अपने माइंड में ये नाम बना के रखना, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। कुछ टाइम बाद बिल्कुल शुरू में जब हमने बिजनेस शुरू करा, तो जो हमारे शेयर का प्राइस है, जिस प्राइस पे हमने शेयर लोगों को ऑफर करा कि हमारे पार्टनर बनो, वो प्राइस था ₹100। हमने किसी को कहा कि ₹100 का शेयर ले लो उनसे, तो हमारी कंपनी में पार्टनर बन जाओ। कितने शेयर हमने लॉन्च करे? 100 शेयर्स, ईच शेयर इज ऑफ ₹100। अब सोचो कुछ टाइम बाद हमारी कंपनी चल गई, हमने बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो करा। अब क्या हुआ कि अब जो हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यू है वो ₹100 थोड़ी रही, क्योंकि हम सब ने इतनी मेहनत करी, बाकी लोगों ने इन्वेस्ट करा, सबने ट्रस्ट करा बिजनेस के ऊपर, तो जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट करा उनको फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो अब जो वैल्यू बढ़ गई और वो जो वैल्यू मान लो जो नया प्राइस होगा, मान लो वो ₹140, जो फेस वैल्यू है जिस वैल्यू पे हमने बिल्कुल शुरू में काम शुरू करा था, वो जो एक शेयर की वैल्यू है ₹100। पर अब क्योंकि हमने इतना बढ़िया बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो अब हमारे एक शेयर की वैल्यू हो गई ₹140। तो जो ये ₹140 है, ये 140 कैसे बनी? ये बनी उस प्राइस के अकॉर्डिंग जिस प्राइस पे हमारा शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। जैसे हम जो रोज देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज ये हो गया, ये शेयर इतना बढ़ गया, ये शेयर इतना कम हो गया, तो वो जो वैल्यू आ रही होती है वो उसका मार्केट प्राइस है, उस शेयर का मार्केट प्राइस है। जो उसकी फेस वैल्यू है वो पहले से वो वैल्यू थी जहां पे की कंपनी ने बिल्कुल शुरू में काम शुरू करा, वो फिक्स रहती है। याद रखना, फेस वैल्यू फिक्स रहती है, मार्केट वैल्यू रोज चेंज होती रहती है। अब जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो अगर मार्केट वैल्यू जो रोज वैली करती है, अगर वो फेस वैल्यू के बराबर होती है, तो हम कहते हैं कि जो शेयर है वो एक्चुअली एट पार है। बिल्कुल ये वर्ड याद रखना कि जो शेयर है वो एट पार है। एट पार का मतलब ना हमें कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, सिंपली जिस प्राइस में हमने बाय करा था वहीं पे ये शेयर है। अगर वो मार्केट वैल्यू उसकी बिल्कुल फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो शेयर है दैट इज अबव पार, या फिर हम कहते हैं कि ये इसको हमने एक प्रीमियम पे लॉन्च कर दिया, इट इज कॉल्ड एट अ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि हमें उसमें फायदा हो गया। सोचो किसी ने हमारा शेयर ₹100 का बाय करा, अब उसको उस एक शेयर के ₹140 मिल गए, उसको फायदा हो रहा है, तो दैट इज अबव पार। अगर मान लो किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा और हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे आ गया, तो उस केस में कहते हैं कि दैट इज बिलो पार। बिलो पार का मतलब क्या हो गया? फेस वैल्यू से कितना कम। तो दिस इज अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, पर इसको ध्यान में रखना। इसका एक और नाम है, इट इज एट अ डिस्काउंट, द शेयर इज एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब जो फेस वैल्यू है उससे कम अब उसकी वैल्यू। तो अब इन सब नेम्स का रूल क्या है, उससे पहले इस मिनट ऑनवर्ड्स अपने माइंड में ये हमेशा डाल के रखना कि जो फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर प्राइस होती है वो फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं करेगी। क्या चेंज करेगी? मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर। जैसे हम सुनते हैं कि रिलायंस का शेयर आज इतना बढ़ गया या SBI का शेयर इतना बढ़ गया, तो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, वो फिक्स रहती है। तो जिस दिन कंपनी इनिशिएट हुई उस दिन वो बन गई। जो मार्केट वैल्यू है वो रोज चेंज करती है, हर मिनट चेंज करती है, तो उसको ध्यान में रखना। तो जब भी हम कभी शेयर बाय या सेल करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे? मार्केट प्राइस, क्योंकि हम तो मार्केट से बाय कर रहे हैं। अब हम फेस वैल्यू पे बाय नहीं कर सकते, वो तो इनिशियली ऑफरिंग थी। ध्यान में रखना, मान लो बाय करने जाएंगे तो कहाँ करेंगे? मार्केट पे। तो बाइंग सेलिंग शेयर्स की हमेशा किस पे होगी? मार्केट प्राइस पे। ये बात ध्यान में रखना, इसको बोलो अपने आप कि बाइंग सेलिंग शेयर्स की जब भी करेंगे
तो उसकी मार्केट प्राइस पे रहेगी। ये लाइन ध्यान में रखना है, ये हमें क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है। अब इसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी भी केवल सुनो पहले, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने शुरू करेंगे, और अगर ये बात समझ में आ गई तो हमसे सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। अभी ऑब्जर्व करो,